दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज आप देखेंगे पांच राज्यों में होने वाले चुनाव का ओपिनियन पोल। यह किसकी बन सकती है सरकार, कौन रहेगा आगे, क्या होने की है संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पांडचेरी में चुनाव होने हैं। देश का माहौल अजीबोगरीब है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली से उठकर अपना प्रदर्शन इन राज्यों में कर रहे हैं, तो वहीं देश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उधर पुरानी पेंशन को लेकर भी माहौल गर्म है। मानो ऐसा लग रहा है कि देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और यह देश प्रदर्शनों में उभर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्री चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं और इस बार भी हैं। इसी के मद्देनज़र वह इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तरह तरह के वादे, तरह तरह के जुमले, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में जमकर हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष पर तो बेपक्ष पक्ष पर करप्शन, भ्रष्टाचारी, लूटमारी, सेंधमारी का आरोप लगा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि देश में कोई भी ईमानदार नहीं है, सब बेईमान हैं। ऐसे में हमने आपके लिए इन पांच राज्यों में कई कंपनियों के किए सर्वे के आधार पर अपना खुद का विश्लेषण किया है और एक ओपिनियन पोल आपके लिए बनाया है। पश्चिम बंगाल, असम समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिशों में पूरे दमखम में जुटी हुई हैं। ऐसे में कई कंपनियों ने मतदाताओं के मूड को समझने की कोशिश की है, कहां किसके पक्ष में कैसा माहौल है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। अगर ओपिनियन पोल के अनुमान सही होते हैं तो टीएमसी की हैट्रिक यहां पर होगी। हालांकि भाजपा का भी प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है, वहीं असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। तो चलिए सीधे जानते हैं बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु और पांडचेरी में ओपिनियन पोल में क्या है जनता का मूड। पश्चिम बंगाल पर नज़र डालते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दीदी का जलवा देखने को मिल सकता है। सर्वे में आए ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में इस बार भी कोई सत्ता परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि दीदी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ दोबारा बन सकती है। हालांकि भाजपा का प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 100 से ज़्यादा सीटें जा सकती हैं। पोल में भाजपा को 92 से 108 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। हालांकि 3 दशक से ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती हैं। अगर हम पांडचेरी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अभी वर्तमान में कांग्रेस जनित ही सरकार यहाँ पर थी, लेकिन कई कारण रहे, यहाँ इस्तीफा देना पड़ा और अब ओपिनियन पोल में पांडचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पांडचेरी में बीजेपी के खाते में 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 से 12 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी के साथ ही हम केरल पर नज़र डालें तो यहां का ओपिनियन पोल क्या कहता है, आइए देखते हैं। केरल में लेफ्ट का किला बचा रह सकता है, जबकि सर्वे में आए नतीजों के मुताबिक CPIM के नेतृत्व वाले LDF को आगामी विधानसभा चुनाव में 91 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक LDF को 83 से 91 तक की सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF को 47 से 55 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जो शोचनीय भी हैं और निराशाजनक। बता दें कि राज्य में सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। अगर हम आसाम राज्य की बात करें तो यहाँ ओपिनियन पोल में असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, यानी कि यहाँ पर दोबारा कमल खिल सकता है। पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 42% मत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31% मत हासिल हो सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 27% वोट जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 68 से 76 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन को 43 से 51 सीटें और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें तो सर्वे के मुताबिक यहाँ का जो ओपिनियन पोल है वो हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में DMK गठबंधन की इस बार सत्ता में वापसी हो रही है। DMK गठबंधन को 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि AIADMK गठबंधन को 58 से 66 सीटें
वहीं अन्य के खाते में महज 8 सीटें ही जा सकती हैं। वहीं वोट फीसदी की बात करें तो तमिलनाडु में AIADMK के गठबंधन को 29% वोट मिल सकते हैं, तो DMK गठबंधन को करीब 41% ही वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। अन्य को करीब 30% वोट मिल सकते हैं। आपने देखा कि ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में TMC, तमिलनाडु में UPA, असम और पांडिचेरी में NDA, जबकि केरल में LDF की सरकार बनने का अनुमान है। ओपिनियन पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के दमदार प्रदर्शन के बावजूद ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC वापसी कर रही है। एक बार विधानसभा की सीटों को हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 295 है, जिनमें 294 सीधे जनता के द्वारा तथा एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। अगर असम राज्य की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 126 है। यहाँ 4 अप्रैल 2016 और 11 अप्रैल 2016 को विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें BJP जनित NDO को जीत मिली थी। तब भाजपा गठबंधन ने इतिहास रचते हुए पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सरकार बनाई थी। केरल राज्य की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 140 है, जबकि अन्य सीटें एक यहाँ पर नामांकित होती है। केरल में पिनरई विजयन की अगुवाई में लेफ्ट की सरकार है। यहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF के पास कुल 91 विधायक हैं, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF के पास 47 सीटें हैं। इसके अलावा NDA के पास यहाँ एक सीट और केरल जनपक्षम सेकुलर यानी कि KJS के खाते में सिर्फ एक सीट है। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 235 है। इसमें एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकित किया जाता है। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। यहाँ 16 मई को मतदान होना है। विकास का मुद्दा यूँ तो यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की तरह यहाँ की राजनीति में भी कई गठजोड़ और कई तरह की राजनीति का बोलबाला रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि ओपिनियन पोल का विश्लेषण, अब वास्तविक नतीजा क्या होगा ये फैसला जनता करेगी। यहाँ पर आने वाले दिनों में नेताओं का भाग्य विधाता जनता होगी। अगर आप वोटर हैं तो पहले आप विश्लेषण जरूर करें, फिर वोट करें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ताज़ा और नई खबरों के अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.thedastak24.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। डेली हंट पर भी द दस्तक 24 आ चुका है। बने रहें द दस्तक 24 के साथ। धन्यवाद।